नजदीक है, अब तुम चाहो या ना चाहो फट्टा फटंती हो गई। तो अब मैं चीख चीख के कह रही हूँ कि आज एक खुशबू पांडे भर का इंजन है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इंजन इतना बड़ा है कि एगो में शिफ्ट नहीं हो रहा था, यानी 600 ट्रक जितना सामान लेके जाएगा ना, ये अकेले लेके चला अच्छा बदो पर साबुनदानी लेने का दिल कर रहा था, सोचे तुमसे बात कर लेते, मिल जाएगा बोलो। जरूर आप मुझे डीएम करना इंस्टा पे, मैं बताती हूँ। नजदीक है, अब तुम चाहो या ना चाहो हथियार उठाना पड़ेगा। मैंने हथियार की एक वीडियो डाली तो लोगों की फटती फट्टा फटंती हो गई। तो अब मैं चीख चीख के कह रही हूँ कि आज एक खुशबू पांडे ने हथियार निकाला। अच्छा बधु पांडे, एक बात बताओ कि तुम्हारे पास हथियार कहाँ है? तुम्हारे पास तो है साबुनदानी, और तुम्हारे साबुनदानी को साबुनदाना का जरूरत है। साबुनदाना जो है ना हम लोगों के पास है, चाहिए तो बोलो। दो पांडे, तुमसे ना लेने देने का ना बात करना है। ये मैं फालतू लड़के से बात नहीं करती। सलाम फालतू लड़का है। ये मैं फालतू लड़के से बात नहीं करती। सही है, बात है भाई साहब, तभी तो हम सोचे कि लड़की हमको काहे स्किप करती है। ये सलाम कोई यूट्यूब के ऐड है तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अच्छा बदो पांडे, समझ लो हम फालतू लड़का, पर तुमसे काम का बात करना था कि ये बताओ हमको कि तुम्हारा साबुनदानी लेने का दिल कर रहा था, सोचे तुमसे बात कर लेते, मिल जाएगा बोलो। जरूर आप मुझे डीएम करना इंस्टा पे, मैं बताती हूँ। मतलब मिल जाएगा ना? जरूर। इतनी खुशी बोलो, रोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा लोग तो आज भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हमने मान लिया। बाप मर गया अंधेरे में, बेटी का नाम पावर हो। कर रहे हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हमने मान लिया। तुम तो यहूँ मान चुके हो कि अब्दुल तुम्हारा भातार है, पर अब्दुल जो है ना किसी और के पास जा रहा है। हमारा था और हमारा रहेगा। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अभी आएंगे जो अपनी अम्मी बहन एक करवाना चाहते हैं, तो लेकिन मैं चाहूंगी कि ये वीडियो, ये क्लिप आप अपने घर के छोटे मोटे बच्चे के कान तक जरूर भेजें। अबे बोकी, अभी तो तुम बोली हो कि ये वीडियो जो है बच्चा के लिए नहीं है, कि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, उसके बाद बोल रही हो कि ये वाला वीडियो बच्चों के कान तक जरूर भेजें। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये वीडियो अपने घर के छोटे मोटे बच्चे के कान तक जरूर। साला तुम्हारा साबुनदानी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भर का इंजन है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। 600 यानी 600 ट्रक जितना सामान लेके जाएगा ना, ये अकेले लेके चला जाएगा। मतलब बदरू पांडे, तुम्हारा इंजन बहुत मजबूत है। मियाँ खलीफा की बहन हूँ का? हाँ मैं। अच्छा, तब तो बनिया है। तेरा एक काम करो ना, जरा तुम मेरे लिए एक तो गाना गाओ था। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ठुमका भी लगाने बोलो, फिर तो आएगा असली मजा। ठुमका किसी और दिन लगा देना, आज ना सिर्फ तुम गाना सुना दो उनको बस। सज रही गली मेरी अम्मा, सुनहरे कोटे में। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। लेकिन इस आजादी के महोत्सव में मुझे एक बात याद आती है, आजादी अभी अधूरी है। सुन रहे भाई साहब, ये कह रही है कि आजादी अभी अधूरी है। हम लोग जो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं ना, वो सब अधूरा है भाई साहब। अब आप ही बताइए हम क्या बोले। ये कह रही है कि आजादी जो है ना अभी अधूरी है। इसकी अम्मा कंगना रनावत कह रही है आजादी मिला 2014 दी। अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं। भाई साहब, बदबू पांडे कह रही है कि हमारा देश जो है ना अभी पूरा आजाद नहीं हुआ, आजादी अभी अधूरी है। और बदबू पांडे की अम्मा कंगना रनावत कह रही है कि हमारा देश जो है ना 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले वो भीख में था। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है। और भाई साहब, ये कौन है बदबू पांडे की हमको नहीं पता है। ये कह रही है ना कि हमारा देश को जो आजादी है ना वो लीज पर मिली है, जरा सुन लीजिए। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली?
क्या बोला? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। क्या बात कर? भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ, जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार वो देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन 99 साल की लीज, मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? भाई साहब, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये लड़की ऐसी बात काहे कर रही है, तो भाई साहब ये सब जो है ना गोबर गौमूत्र का असर है। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। तौबा तौबा तौबा। भाई साहब, आप लोगों ने देखा कि बद्रबू पांडे कह रही है कि आज़ादी अभी तक पूरी नहीं मिली है, कंगना रावत कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिली है, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि आज़ादी जो मिली है वो लीज पर ली गई है। भाई साहब, ये तीनों में से कोई भी जो है ना कांग्रेस के पार्टी से नहीं है, ये तीनों में कोई बीजेपी का प्रवक्ता है, कोई बीजेपी के पार्टी से है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है। पता नहीं भाई साहब कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में ही काहे रहते हैं। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं, बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं, वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। अच्छा भाई साहब, बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता सबको तो देखे लिए हैं, इन लोग का दिमाग में गोबर भरा रहता है, तो जरा देख लेते हैं बीजेपी मतलब मोदी जी का भी बात जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से विदाई लेंगे। जरा सुन लीजिए, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कभी ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। भाई साहब, जब मोदी जी ऐसा बात कर रहे हैं तो उसके प्रवक्ता किए तो क्या किए, उसके सपोर्टर किए तो कौन सा गलत किए। खैर, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। तो आप लोगों से विदाई लेता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको मिलता रहे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए टाटा बाय बाय।